हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने बर्तन चढ़ा दिया है। इसमें हमने 2 गिलास पानी डालकर गैस पर चढ़ा दिया है। पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो अब पानी थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 2 कप सोयाबीन। सोयाबीन को चम्मच से इस तरह से थोड़ा हिला देंगे। अब इसे गैस पर से उतार लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक करके इसी तरह छोड़ देंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मिला देंगे, गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे और प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब प्याज हल्का गोल्डन हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा टमाटर। टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3 हरी मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस मीडियम ही रखेंगे, बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे 1 बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए, इसे हमने 1 बर्तन में निकाल लिया है। इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। चलिए तब तक हम सोयाबीन देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम 1 बाउल लेंगे और सोयाबीन में से पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो इसमें से हमने पानी निचोड़ लिया है। अब इसमें डाल देंगे 4 चम्मच दही। दही को हमने फेंट लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इधर ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। अब इसे जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी का ही पीसेंगे। अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे पीस सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने पीस लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। फिर से हमने वही कढ़ाई चढ़ा दिया है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया इसमें था। इसमें थोड़ा तेल है ही, थोड़ा तेल और डाल देंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ता, 1 बड़ा इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची डाल देंगे, 1 छोटा सा दालचीनी डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे जो मसाला हमने पीसा था, वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे। अब इसे मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मिला देंगे।
और इसे मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। आधा चम्मच मीट मसाला डाल देंगे, मीट मसाला ऑप्शनल है। मिला देंगे। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें सोयाबीन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब गैस यहाँ पर फुल कर देंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। मिला देंगे। अब इसे ढक देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो अब गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे, फिर से इसे ढक देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है, तो अब गैस बंद कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को हमने बीच से लंबे आकारों में काट लिया है। अब इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह छोड़ देंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।